हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूलिप टिप्स फॉर यू। दोस्तों, गार्डन हो और उसमें बर्ड्स नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, मेरे गार्डन में भी काफ़ी सारे बर्ड्स आते हैं, लेकिन उनके पास उनके रहने के लिए मेरे पास कोई ही बर्ड हाउस नहीं था। तो कंस्ट्रक्शन का काम चला, उसके बाद में मैंने फर्नीचर बनवाया, और फर्नीचर बनवाया तो कुछ लकड़ी के टुकड़े मेरे पास रह गए, तो मैंने उसी कारपेंटर से ये बर्ड हाउस बनवाए हैं। और आज इन पर मैं कलर करूंगी। कलर करने के बाद में इनको अच्छे से कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आपके जहां बर्ड्स ज़्यादा आके बैठते हैं वहां आप इनको किसी भी दीवार पर कील के सहारे से या पिन के सहारे से टांग सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, मेरे कुछ हैंगिंग प्लांटर्स हैं, इन पर आकर बर्ड्स बैठते रहते हैं। और ये छाबड़ी जो आप देख रहे हैं, इस पर भी बहुत सारी चिड़ियाँ आके शाम को बैठती हैं, परेशान होते रहते हैं। तो मैंने अब इनके लिए एक बसेरा बना दिया है, और ये पांच मैंने बर्ड हाउस बनाए हैं। इनको मैं अलग अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, थीम कलर अलग अलग करूँगी इन पे दोस्तों। और फिर इनको इसी दीवार के सामने एक और दीवार है जिसपे भी मेरे काफ़ी सारे बर्ड्स आके बैठते हैं, और बहुत खूबसूरत वो दीवार है, उस पर मैं डेकोरेट करके लगाने वाली हूँ, ताकि अपना जो गार्डन है वो सुंदर तो लगेगा ही, साथ ही साथ इसमें बर्ड्स की चहचहाट रहेगी तो और भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने कलर करना शुरू कर दिया है। मेरे पास जो भी बचे खुचे कलर है, तीन चार कलर्स की मैं छोटी छोटी डब्बियाँ रखती हूँ, तो उनमें थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। तो चलिए इन पर कर देते हैं सारे कलर्स। ये मैं रेड कलर कर रही हूँ, साथ में ही हेल्प करवा रही है मेरी बिटिया, उसको भी कलर करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन उम्र में थोड़ी छोटी है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि पहला कोट मैं उससे करवाऊँ। दो कोट मैं इस पर करने जा रही हूँ, पहला कोट मैं उससे करवा लेती हूँ। ये देखिए, इसने करना स्टार्ट कर दिया है, डार्क ब्लू कलर है ये, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से ये भी बर्ड्स के लिए हाउस बनाने जा रही है। इसको भी बर्ड्स काफ़ी पसंद है, और जब से ये बर्ड हाउस बन के घर में आए हैं तब से बहुत खुश है। सुबह उठते ही जल्दी ये इस काम में लग गई है मेरे साथ। तो देखिए, इस पर भी मैंने ब्लू कलर कर दिया है, काफ़ी अच्छा सा लुक आएगा। अगर आप चाहें तो आप एक बर्ड हाउस बना करके आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ काफ़ी सारी चिड़ियाएँ आती है और नेस्ट भी बनाती है, और नेस्ट सक्सेस नहीं होता, उनके नेस्ट में से एग्स निकलते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि उनके प्रजनन के लिए भी ये बेस्ट रहेंगे। और अभी बारिश का मौसम है, खूब सारी चिड़ियाएँ आती है, तो सबके लिए मैंने फ्लैट्स की व्यवस्था कर दी है। जब ये सारे फ्लैट भर जाएंगे तब मैं आपको फिर से शेयर करूंगी कि इनमें कितनी सारी चिड़ियाएँ रहने लग गई है। शाम को तो अक्सर दोस्तों आकर बैठती ही है बहुत सारी, दिन में थोड़ी कम रहती है क्योंकि हम इधर उधर घूमते हैं। ये देखिए, मैंने इनको लगा दिया है दीवार पर, और उसके ऊपर डेकोर करने के लिए मैंने मनी प्लांट की जो वाइन है ये लगा दी इसके आसपास, ताकि चिड़िया को थोड़ा अजीब नहीं लगे। बर्ड्स को क्या है, हरियाली पसंद है, और थोड़ा सा ओट कि थोड़ी से पत्तियाँ वगैरह टहनियाँ वगैरह हो तो वो ईजिली बैठ सकती है। देखिए, ये जो आप बेल देख रहे हैं मेरे मनी प्लांट के, छोटे से प्लांटर में है, बॉटल प्लांटर है, इसमें से निकली है। ये देखिए, दो ब्रांचेस निकल गई, एक को मैंने इसके ऊपर से किया रेड वाले को, साइड में आप जो देख रहे हैं मनी प्लांट वो अलग है। इन पे मैं जो मैंने डेकोर किया है, एक बॉटल की जो मनी प्लांटर है उसी से किया है। तो आप भी बॉटल में मनी प्लांट लगा के इस तरीके से आप इनको डेकोर कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल भी आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेरा ये लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।